are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। हांगकांग लॉ मेकर ने रीजन में क्रिप्टो फंड्स के लिए आसान बैंकिंग एक्सेस की डिमांड की। जापान ने XRP के नेशन वाइड अडॉप्शन के अनाउंसमेंट किया पेमेंट्स के लिए बाय 2025। सोलाना डेवलपर्स ने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया कोऑर्डिनेटेड पैच के साथ। कॉइनबेस ने CFTC की गेमिंग के डेफिनेशंस पर अपनी राय दी इन प्रपोज प्रेडिक्शंस मार्केट रूल्स। OKX एक्सचेंज CEO ने टोर्नाडो कैश इंटरैक्शन यूजर्स के लिए बैन किया। टर्की ने न्यू रेगुलेशंस के बीच क्रिप्टो लाइसेंस एप्लीकेशंस में सर्च देखा। आयोटा EVM इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ डिफाई की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। अल्मीरा रिसर्च ने $352,000 वर्थ के WLD डॉलर्स को बाइनेंस में मूव किया। फ्लूकी टफ बैटल्स फेस कर रहे हैं की रेजिडेंस लेवल्स को रिक्लेम करने के लिए एमिट डाउनवर्ड ट्रेंड। स्लोवेनिया ने EU में BNP बरी पास के जरिए अपना पहला डिजिटल बॉन्ड इशू किया। वीचेन स्मगशॉट्स इनिशिएटिव्स ऑन वी बेटर डाओ यूजर्स को पोटेंशियल देता है ओवर 3 मिलियन ट्रीज पर ईयर्स बेचने का। फ्लक्स ने अपहोल के साथ पार्टनरशिप टू एक्सपैंड फ्लक्स डॉलर्स ट्रेडिंग और लिक्विडिटी। जॉनी एनजी जो एक हांगकांग लॉ मेकर है, उन्होंने गवर्नमेंट और बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि उस कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करें जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए क्रिप्टो और वेब 3 फर्म्स पर लगाए हैं, क्योंकि इनमें से कई फर्म्स अभी भी लोकल अकाउंट्स ओपन करने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। जापान ने अनाउंस किया कि वो 2025 तक सभी पेमेंट्स के लिए XRP यूज करेगा, जो कंट्री के डिजिटल करेंसी मार्केट में मेजर चेंजेस लाएगा। SBI के CEO योशिताका किताओ का 2023 का प्रेडिक्शन के XRP जापान के बैंकिंग सेक्टर में डोमिनेंट होगा जापान के इस रीसेंट अनाउंसमेंट के साथ अलाइन करता है। रिपल की लीगल विक्ट्री जिसमें XRP को सिक्योरिटीज नहीं माना गया ने जापान में 2025 तक किसी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का रास्ता साफ कर दिया है। सोलाना डेवलपर्स वैलिडेटर्स और क्लाइंट्स टीम्स ने मिलकर एक क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया। डेवलपर्स ने इंश्योर किया है कि एक सुपर मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क स्टेक को पैच कर दिया जाए डिस्क्लोजर से पहले। कॉइनबेस ने CFTC प्रपोज रूल्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शन मार्केट्स का रिस्पॉन्स दिया, जिसमें उन्होंने CFTC के गेमिंग को डिफाइन करने के तरीके पर अपनी राय रखी। कॉइनबेस चाहता है कि CFTC प्रेडिक्शन मार्केट्स को कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रेगुलेट किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रॉड कैटेगरीज या डेफिनेशंस। क्रिप्टो करेंसी सेक्टर ने पिछले कुछ महीनों में स्कैम्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी है। रीसेंट BazaarX हैक ने मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींचा ड्यू टू $230 मिलियन फंड्स के लॉस पर। ऐसे कई क्रिप्टोज रिपोर्ट्स के बीच चाइना बेस्ड OKX एक्सचेंज ने हैकर एक्टिविटी को रोकने के लिए एक नए मेजर अनाउंस किया। टर्की में क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज से सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जो कंट्री में ऑपरेट करना चाहते हैं। टर्किश कैपिटल मार्केट्स बोर्ड ने अनाउंस किया कि 47 क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज ने न्यू रेगुलेशंस के अंडर लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया है। आयोटा EVM ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है कि विद एक्साइटिंग इंटीग्रेशन विद प्रोजेक्ट्स जो कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। टीम ने रिसेंटली अपने पार्टनर टाइड प्रोटोकॉल की कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिफाई इकोसिस्टम में हाईलाइट किया है। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने पिछले 24 घंटों में 6% से ज्यादा रीबाउंड किया है, अबाउट $2.24 ट्रिलियन, और वर्ल्ड वाइड भी पीछे नहीं रहा। लेटेस्ट क्रिप्टो डेटा के मुताबिक WLD प्राइस ने पिछले 24 घंटों में 8% से ज्यादा रिबाउंड किया है, ट्रेड अराउंड $1.76 ऑन फ्राइडे ड्यूरिंग द अर्ली एशियन सेशन। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्रिप्टो न्यूज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।